का भी नुकसान हुआ, फसल का भी नुकसान हुआ और जानवरों का भी नुकसान हुआ। कुछ भी नहीं है आज की तारीख में, ये भी नहीं है कि अपने बच्चों को हम कुछ भी खवा सकें। नमस्कार, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जुहिका पुल पे खड़ा हूं। ये पुल जो है औरैया और जालौन ज़िले को आपस में जोड़ता है। साथ में जो जगह है ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है, जहाँ पे चंबल, यमुना और सिंधु, पहुँच और कुमारी नदी जो है उनका यहाँ पे संगम होता है। ये अलग अलग दिशाओं से आती हैं, वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, 3 नदियाँ इधर से आती हैं, जिसके बाद भी आगे ये जो है यमुना बनकर फिर प्रयागराज तक जाती हैं। इन नदियों में जो उफान आया है उसके चलते उत्तर प्रदेश के कई ज़िले जिसमें इटावा, औरैया जो शामिल है, उनमें भी सैकड़ों गांव जो हैं वो भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। अकेले औरैया ज़िले में 50 गांव जो हैं कम से कम वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पिछले 7 दिनों से ये गांव जो थे इनमें पानी भरा हुआ था। पानी इस बीच में थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन घरों के गिरने का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से मौसम है, जिस तरह के हालात हैं, उस तरह से गाँव वाले लोग डरे हुए हैं कि आने वाले दिन जो है वो उनके मुश्किल भरे हो सकते हैं। पानी का वेग इतना ज़्यादा था कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक पुल बना हुआ था लोहे का, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, वो पुल टूट के यहाँ तक आ गया है। लोहे का जैसे पेंटून पुल कहते हैं वो यहाँ तक आ गया। और इसको लेकर गांव के लोग काफ़ी डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो ये जो पुल है, जिस तरह से इस सीमेंटेड पुल के पास खड़े हैं, कि इस पुल को वो नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि इन्हीं कई सारी नदियाँ यही जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में 6 से 7 पुलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। ये पुल बमायन घाट से आया है। पीपों का पुल बमायन घाट पर बना था। इसमें बहुत सारे लोहिया रस्सा डरे थे और सब रस्सा तोड़ के आए हैं। 53 पीपा आते ही 53 में से 2 पीपा बह गए, इसमें से टूट के इसके बाद में 51 पीपा बचे हैं। सन 1996 में आई थी ऐसी बाढ़, इससे कम आई। ये बाढ़ ज़्यादा है, इसमें नुकसान भी ज़्यादा है। घर बकार मकान वगैरह गिर गए और मवेशी जब हमने ऊपर हाल लेके चले गए, निकलना मुश्किल हो गया हम लोगों को। बदतर सिर्फ घरों का नुकसान हुआ है या आपकी फसल और बाकी चीज़ों का भी नुकसान हुआ है? घर का भी नुकसान हुआ, फसल का भी नुकसान हुआ और जानवरों का भी नुकसान हुआ। पानी परसों ही रात के आया लगभग 6 बजे। क्या था? बारिश हो रही थी? क्या हो रहा था? नहीं, बारिश नहीं, जमुना चढ़ रही थी, बाढ़ आ रही थी, जमुना बारिश भी हो रही थी। तो ये क्या अचानक से पानी आया था? अचानक से, कभी आया ही नहीं, अचानक से पानी आया। तो क्या आप लोग तैयार थे इस तरह की बाढ़ के लिए कि नहीं? बिल्कुल तैयार थे, कोई सूचना नहीं थी ऐसी। इससे पहले कभी जिंदगी में ऐसी बाढ़ इस गांव में थी? मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी इतनी बाढ़ आती है। 2 साल पहले आई थी, लौट गई थी शहर में से। 3 साल आई तो चली, बिल्कुल भारत ही चली आई। कुछ भी सामान ही नहीं उठा पाया। गला पानी धरो तो बोरन में धरो तो कभी बह गए बासन भाड़े। अकेले आते ने रात के गेट खोलो सब बह गए, छोटे छोटे पूरे बासन भाड़ी सब बह गए। निकल ही नहीं रही थी घर में से जमुना जी। रात में सामान खाली करो, दिन में सोई गिर गो, खाना बनाने लगे। हाँ, और कछु रात में गिर गो, कछु दिन में गिरो, 2 बार गिरो। कितना नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान हो। घर गृहस्थी को सामान तो सभी में आती, धन्य अन्य आती। हाँ, सब बैठक ले गो। बिल्कुल 2 दिन से पानी में ही है, 3 दिन से बराबर नाव से। और वैसे गाँव तो खाली हो गया पूरा है, कौन गांव में यहाँ दिखाई दे रहा कुछ नहीं। सब है, बड्डे पड़े वहीं पे, सब बाहर ही हैं। यहाँ क्या है, तो घर भी गिरे हैं। अब घर गिरे, अब जब पानी कम होगा तब पता चलेगा घर कितने गिरे कितने नहीं गिरे। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत सामान नुकसान तो काफ़ी है। अब जब पानी कम होगा जब ही पता चलेगा। अभी कैसे पता चलेगा? पानी यमुना का था, चंबल का था, सिंध का था, सभी का था। 5 नदियों का पानी था। कैसे बचे आप लोग? कैसे अब बचे? कैसे निकल के गए यहाँ से, छोड़ गए सब सामान। और क्या है, जानवर सामान ले गए, जो खाने पीने का था सामान वहीं बना खा रहे 3-4 दिन से। और क्या है, हमारे घर में इतना कमर तक पानी है। 20 कुंटल गल्ला भरा है, 30 कुंटल घर पूरा, फ्रिज, कूलर, टीवी सब पानी में है। कुछ भी नहीं बचा। हम लोग एक साड़ी पहन के निकले हैं। कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। ये भी नहीं है कि अपने बच्चों को हम कुछ भी खवा सकें। हमारे पास जो खड़े थे, हम सोच रहे थे बारिश में हम होगा नहीं डूबे, हम लोग बने रहे ऐसे, एकदम आए के पानी ने बाढ़ मार दी अपने, फिर बच्चा लेकर निकल आए। आप लोग कब आए यहाँ पे? हम आज तीसरा, 3 दिन हो गए हम लोगों को पड़े ऐसे। 3 दिन से आप लोग यहीं पे रुक रहे हैं? हाँ, यहीं पे पड़े हैं 3 दिन से हम लोग सब ऐसे ही। जो अपने बच्चों को कुछ प्रदान भी दे जाते हैं, कुछ ऐसे काफी लोग रिश्तेदार हैं वो मदद कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पत्रकार यहाँ की लगातार और इस इलाके की लगातार खबरें जन समाज तक, मीडिया तक लाते रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि वो सबसे अधिक बार यहाँ आने वाले लोगों में से हैं और उन्होंने इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। सर, गाँव कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं जानना चाह रहा था कि अभी आप लोग बाढ़ कर रहे कि भीषण बाढ़ आई, इससे पहले ही बाढ़ आई, इस बाढ़ में और बाकी बाढ़ में उसमें कितना अंतर आप देते कितना? देखिए, जो बाढ़ अभी तक आई है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है और जो हमारी उम्र है उस हिसाब से, अभी तक मैं लगभग 60 साल का हो रहा हूँ, इतनी बाढ़ इस गांव के अंदर मैंने कहीं नहीं देखी है। चूँकि मैं 5 नदियों के संगम पर यहाँ पर इस गांव में मैं स्वयं रहता हूँ, तो मैंने जितनी बाढ़ों को देखा है और झेला है इस बाढ़ का दंश, उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको कि आज तक का इतिहास है, जब से ये नदी यहाँ चली होगी और गाँव बसा होगा, जब से आज तक इतनी बड़ी बाढ़ कभी नहीं देखी है। और इस बाढ़ में जो त्रासदी देखने को मिली है, सिर्फ ये जुहिका में ही नहीं, अन्य जो गाँव भी हैं यहाँ आसपास, जो निचले इलाके हैं, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। और प्रशासन का यहाँ आज तक रवैया ये रहा है कि बाढ़ के अंदर आने की उन्होंने कहीं जरूरत नहीं की कि नाव से भ्रमण करें, गांव के अंदर घुस के देखें, सिर्फ हवा हवाई बाहर तक रखते हैं, जहाँ पर यहाँ से विस्थापित होकर जो लोग रुके हैं वहाँ तक आके और अपनी फॉर्मेलिटी वहाँ से करके चले जाते हैं। तो गाँव एक ही नहीं, जुहिका ही नहीं, बल्कि ऐसे और भी गाँव होंगे जहाँ इस तरीके से प्रशासन का रुख चल रहा है।